कौन? राजी बीबी, मैं अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ चांदनी आ जाओ। राजी बीबी, मैंने सोचा आज आपके पैर दबा दूं। अरे नहीं नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, वैसे भी मेरे पाँव में कौन सा दर्द है। दबवाने के लिए दर्द का होना जरूरी नहीं, आप पुप्पी को देख ले, जहाँ भी मेरी शक्ल देखती है ना मुझे कहना शुरू कर देती है, हाय मेरा सर, मेरे पैर दबा दो, और कभी कहती है मेरे सर में तेल लगा दो। ये तुम ठीक कह रही हो, तो क्या उनको दर्द नहीं होता? अच्छा एक बात पूछूं? पूछे राजी बीबी पूछे। उनको, मेरा मतलब है कि फूफी को, सब लोग फूफी क्यों कहते हैं? वो जुबैर साहब के बच्चे थे ना, फूफी को फूफी कहते थे, शायद गुस्से से कहते होंगे, लेकिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अमेरिका चले गए और फूफी को छोड़ गए हमारे लिए। फिर जब मैं और अब्दुल यहाँ आए ना तो सब लोग उनको फूफी फूफी कहते थे, तो हमने भी कहना शुरू कर दिया, लेकिन फूफी से ना कोई खुश ना रहा। जुबैर साहब भी नहीं? जुबैर साहब तो उनसे सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं करते। अच्छा किसी से तो करते होंगे। राजी बीबी आपसे जरूर करेंगे, लेकिन अभी शर्माते हैं ना, आप परेशान क्यों हो गई हैं? आपने मेरी क्वार्टर की घंटी देखी है ना, जब आप परेशान हो तो मुझे बुला लिया करें। अब्दुल भी उनसे डरता है? वो तो पूरा गुस्सा निकालती है मुझ पर और अब्दुल पर, लेकिन अब्दुल एक कान से सुनता है और दूसरे से निकाल देता है। अच्छा फिर क्या, बल्कि अब्दुल तो कहता है कि फूफी के दिमाग में फिरकी है और जबान में कैंची। कमबख्त चांदनी कहाँ मर गई जाके, मनहूस। राजी बीबी मैं तो चली, आपको पता है फूफी दिन में 10-12 बार कहती है कहाँ मर गए कहाँ मर गए। राजी बीबी आप फूफी से कुछ कहेंगी तो नहीं ना? बस अब नहीं चला जाता। अरे अब्दुल उफ कहां मर जाता है कमबख्त। अरे फूफी आज हॉर्न नहीं बजाया सामान उठाने के लिए। हाँ इसलिए नहीं बजाया कि मैंने सोचा नवाब साहब को क्या तकलीफ थी, आपके दो मजदूर हैं तो सही सामान उठाने के लिए। दो या एक? तो फिर बोला। क्या करूं मुंह से बात निकल जाती है। जा जाके चांदनी को बुला के ला। अरे मेरे पांव बहुत दुख गए हैं, जल्दी ला बुला करके, जरा मेरे पांव दबाएगी कम है। और तुम क्यों खड़ी हो सामान लिए मेरे सर के ऊपर, जाओ जाके बाहर छाने मेरा। लाइए राजी बीबी मुझे दे दी। अरे बहुत जो कहा है वो काम करो, जाओ जाके चांदनी को बुला के लाओ, और ऐसी हमदर्दियों की कोई जरूरत नहीं है, जो काम कहा जाए वो ही किया करो, अपने काम से काम रखो। भाई जान ये हर वक्त की चख-चख अच्छी नहीं लगती। राजू आप ही सामान रखकर मेरे लिए पानी लेकर ऊपर आ जाइए। हाँ भैया अब तो बहन की हर बात ही बुरी लगेगी, जाओ उठाओ चोच ले जाकर। हम क्या हमारी औकात क्या है? अरे मुझे तो अपने पांवों से फुर्सत नहीं। अब कमबख्त चांदनी कहाँ मर गई जाके, मनहूस। विदाली अब फोन के बगैर गुजारा नहीं। सोच रहा हूँ कि दरखास्त दे डालूं, लेकिन सुना कि फोन का बिल बहुत आसा है। सोनी बहन तो कह रही थी कि 400-500 रुपए आते हैं। 400-500 कम है, अल्लाह की बंदी कमाने निकलो तो पता चले। वो ये भी कह रही थी कि एक डब्बा बना लो, रोज 3 रुपए डाल दिया करो और फोन कर लिया करो। सलोनी बहन का भी क्या है, अल्लाह मियां के पास जाते जाते करोड़पति तो हो ही जाएंगे। खुदा का खौफ करो फिदाली, सलोनी बहन को क्यों मार रहे हो? अभी तो हमारी एक और बेटी बैठी हुई है,
अल्लाह उसकी किस्मत भी अच्छी करे। अम्मा मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मेरी शादी की बात मत किया करो। देख रहे हैं कितनी जबान चल रही है। हाँ सावरा बेगम देख रहा हूँ देख रहा हूँ। लड़कियां भी अल्लाह मियां ने अजीब मखलूक बनाई हैं। बोलें तो खुद बुरी और ना बोलें तो दुनिया इनके साथ बुरी है। फिदाली तुम परेशान क्यों होते हो? अल्लाह ने चाहा तो हमारी राजी खुश होगी। वाह सावरा बेगम तुमने तो सब कुछ अल्लाह ने चाहा पर ही छोड़ दिया। हमने तो जैसे कुछ ही चाहा था उसके लिए कैसे उठा कर दे दिए। जिस तरह कसाई गाय की रस्सी ग्राहक के हाथ में थमा देता है। और क्या अब्बा अगर पड़ोस में होती तो हम भी मिलने जाते उसका घर देखते उसकी खैरियत पूछते मगर अब तो ऐसा लगता है जैसे वो पाकिस्तान से ही बाहर चली गई है। अम्मा राजी की बहुत याद आती है। अरे पगली कल ही तो आई थी। वो क्या आई थी? और अम्मा वो सोई नहीं थी मुझे पता है वो मुंह पर चादर लेकर ना रोती रही है। ये क्या कर दिया तुमसे? अरे अल्लाह की बंदी किसी की तो सुनती तुम। घर के तो धंधे ही खत्म नहीं होते नौकर काम छोड़ दे मेरी टांगें टूट जाती हैं। फूफी जान आप ये करेले क्यों उठा लाई? नीम के दरख्त पे फैलाने के लिए। वही तो मैं कह रहा हूँ करेला और वो भी नीम चढ़ा। अब्दुल सॉरी फूफी लाइए करेले मुझे दीजिए। क्या करेले मैं छीलूंगी तू जाके जुबैर मियां के दोस्तों से पूछ कुछ चाहिए भाई तो नहीं। उन्हें जो चाहिए था मैं दे आया हूँ आप ये करेले मुझे दीजिए क्योंकि अगर आपने करेले छीले ना तो कोई इन्हें खाएगा नहीं। मनहूस जबान बंद कर उस दिन छुरी खराब थी और तू पक्के करेले लेके आया था। अरे आप छोड़िए। अरे फट कमबख्त मैं छीलूंगी कह दिया एक दफा। फूफी अगर आपने करेले छीले ना मैं इनमें गुड़ भी डाल दूंगा तो ये कड़वे ही रहेंगे। जबान बंद कर मनहूस। भाई अगर हांडी खराब होगी तो बदनामी तो हमारी होगी ना। ओफो देख अगर करेले पकेंगे तो मैं छीलूंगी वरना नहीं पकने के करेले। चलिए ठीक है मैं नहीं पकाता हूँ करेले। अरे तेरे तो बड़े भी पकाएंगे उठने दे मुझे। बहुत मनहूस तेरी नजर लगी है और तुम क्या हंस रही हो? अरे अपनी औकात में रहो चंद दिन में सब कुछ भूल पा लूं हम पे हंस रही हो? जी मैं वो अरे वहां कहां जा रही हो मुंह उठाए हुए? जुबैर मियां के दोस्त बैठे। राजीव वहां आपका क्या कहना? मेरे दोस्त बैठे अब्दुल पानी और बर्फ वगैरह लेकर दो। बहू एक तो तुम हिलती बहुत हो देखो मैं सारी के सारी हिल रही हूँ। ओफो भाई मुझे तो बजाय आराम आने के उल्टे तकलीफ हो रही है। तो अपने बेटे से दबवा लें बहुत फरमा बरदार है वो। ओफो एक तो तुम्हारा इखलाक बड़ा ही खराब है भाई लेकिन इसमें तुम्हारा कोई कसूर भी नहीं। अच्छा तो फिर किसका है? लड़की पे लड़की पैदा किए जाओगी ना तो दिल भी बेचैन रहेगा और इखलाक भी खराब हो जाएगा। तो आपका इखलाक भी इसीलिए खराब है। बहू मुझसे ज्यादा बकवास ना क्या करो तुम। आपकी भी तो 5 बेटियां थी ना। देखो बहू बात जरा सोच समझ कर किया करो। थे क्यों अल्लाह रखे हैं और सब के सब अपने घर में आबाद हैं। अम्मा कभी आपकी सास ने ये नहीं कहा कि इतनी सारी बेटियां क्यों पैदा कर रही हो? हाय हाय अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे बड़ी ही नेक खातून थी कभी नहीं कहा। 5 लड़कियों पे एक लड़का भी पैदा हुआ था।
और कभी ये भी नहीं कहा कि वो आपके ऊपर सौतन लाएंगी? मेरा मतलब है लगातार 5 बेटियां माँ। अरे कहकर तो देखती, मैं उनके बेटे का गला नहीं दबा देती। किसका गला? अरे अपने मियाँ का और किसका। तो आप क्या समझती हैं मैं अपने मियाँ को जिंदा छोड़ दूंगी? हे लड़की होश की बात कर, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया कहीं? तुझे खुदा का खौफ है कि नहीं? जब 3-3 बेटियां ब्याहनी पड़ेंगी ना तो होश ठिकाने आ जाएंगे तुम्हारे। आए बड़ी मेरे बेटे का गला दबाने वाली। अरे एक बेटा पैदा करके दिखा दो तो जानू मैं तुम्हें। उठी नहीं अभी तक? खड़ी हो, जरूर मेरी नाक कटवाएगी ये। मैं उठी नहीं हूँ मगर। मगर मगर क्या, एक हाथ दूंगी घुमा के मुंह टेढ़ा हो जाएगा। अम्मा उस 2 टके के आटे से शादी नहीं करूंगी, और अगर वो इस घर में आया ना तो मैं दूसरे दरवाजे से निकल जाऊंगी। अरे अरे चली जाऊंगी अम्मा। अरे कितनी सहेली राजी का घर नहीं है जिसमें 10 दरवाजे हो, तू कौन से दरवाजे से निकल के जाएगी? अम्मा तो मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? मैंने कहा ना मैं सिर्फ अमीर घराने में शादी करूंगी और बस। अरे तू अमीर घराने में शादी के काबिल तो बन। अम्मा सिर्फ किस्मत अच्छी होनी चाहिए। राजी कौन सी अमीर घराने के काबिल बनी थी? अरे मेरा बच्चा मेरे लाल, मैंने तुझसे पहले भी कितनी मरतबा कहा है इसमें परेशानी की क्या बात है? उसने मुझसे कहा आने को, मुझे मना करते अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा नहीं दो। अम्मा मैं सलोनी खाना को जानती हूँ ना, वो कहेंगे कर दो, लड़का ऐसा है लड़का वैसा है। चल मेरा तुझसे वादा ठीक है, चाहे सलोनी कुछ भी बोले मैं तेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगी। ठीक है, मना करने का हक तो हमें है ना। अम्मा पहली बार तूने हक की बात की है, वरना तो तू हमेशा कहती थी कि बेबाप की बेटी मजबूर होती है। जब से तेरी सहेली राजी की शादी हुई है ना तेरे भी पर निकल आए हैं, जबान कैसे चलती है कैंची की तरह। अच्छा बताओ मुझे क्यों उठाया था? जा जाके बेसन घोल ले पकौड़ों के लिए और सूजी का हलवा बना ले। क्यों? मेहमानों के लिए और क्यों? वो खाएंगे तो क्या भूखे जाएंगे? अच्छा ठीक है मैं कुछ बना देती हूँ, लेकिन अम्मा ये सुन लो मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं उस आटे से शादी नहीं करूंगी। अच्छा अच्छा तू जा फटाफट तैयार हो जा, जा। अम्मा अम्मा काम भी मैं करूं तैयार भी मैं हो जाऊं तो तुम क्या सिर्फ लड़का देखोगी? अरे बेवकूफ लड़की, मैं हुमैर के पास जा रही थी उसको बताने के लिए दुकान पर, वहां से मिठाई लेती वापस आऊंगी, इसलिए तो उसे कहा था काम चोर। वैसे अम्मा अम्मा तुम चली जाओ लेकिन ये सुन लो कि मैं उस आटे से शादी नहीं करूंगी। अम्मा कुछ भी हो जाए नहीं करूंगी। भाई मैं तो एक हफ्ते के लिए इस्लामाबाद आ रहा हूँ, तुम चाहो तो अपने माँ बाप के घर चली जाओ। ठीक है आज चली जाओ। आज चली जाओ, ये रखो बाजू को मत बताना। राजी, अरे ओ राजी। देखो क्या कह रही है। अच्छा ठहरो मैं खुद देखता हूँ। राजी की अम्मा का टेलीफोन आया है, उसी के लिए ढूंढते फिर रहे। क्या हो गया बाजी आप क्यों? सुबैर मियां अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें, अरे जब देखो बीवी के साथ चोंचे लड़ा रहे हो। बाजी जान आप इतनी फजूल बातें क्यों करती हैं? क्या मुसीबत आ गई है? अब और मुसीबत की क्या जरूरत है, तुम्हारी दुल्हन साहब जो आ गई हमारे लिए। तो चीख क्यों रही हैं? नहीं चीखेंगे, सी लेंगे अपने होंठ। अरे उनकी वालदा साहिबा का टेलीफोन आया, वो ही बताने आए थे सीढ़ियां चढ़ के। बता दिया ना अब आपने, अब मेरी सुनिए, मैं एक हफ्ते के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ, मेरे जाते ही इनको इनके घर भिजवा दीजिएगा। हाँ जरूर शौक से जाए, अभी ना भिजवा दूं। मेरा ख्याल है ये भी ठीक ही है, मैं अभी तैयार होकर रवाना हो रहा हूँ, मैं साथ ही लेता जाऊंगा, वापसी में लद्दाख छोड़ देगा इनको इनके। हाँ हाँ जरूर जाए जरूर जाए शौक से। अरे मियाँ साहब लेके जा रहे हैं, बाप के घर तशरीफ जा रही है, जरूर जाए।
मैं अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ चांदनी आ जाओ। राजी बीबी मैंने सोचा आज आपके पैर दबा दूं। अरे नहीं नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, वैसे भी मेरे पाँव में कौन सा दर्द है। तो वो आने के लिए दर्द का होना जरूरी नहीं, आप पुप्पी को देख ले, जहाँ भी मेरी शक्ल देखती है ना मुझे कहना शुरू कर देती है हाय मेरा सर मेरे पैर दबा दो, और कभी कहती है मेरे सर में तेल लगा दो। ये तुम ठीक कह रही हो, तो क्या उनको दर्द नहीं होता? अच्छा एक बात पूछूं? पूछे राजी बीबी पूछे। उनको मेरा मतलब है कि फूफी को सब लोग फूफी क्यों कहते हैं? वो बात करना पसंद नहीं करते। अच्छा किसी से तो करते होंगे। राजी बीबी आपसे जरूर करेंगे, लेकिन अभी शर्माते हैं ना, आप परेशान क्यों हो गई हैं? आपने मेरी क्वार्टर की घंटी देखी है ना, जब आप परेशान हो तो मुझे बुला लिया करें। अब्दुल भी उनसे डरता है, वो तो पूरा गुस्सा निकालती है। कौन? राजी बीबी जुबैर साहब के बच्चे थे ना, फूफी को फूफी कहते थे, शायद गुस्से से कहते होंगे, लेकिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अमेरिका चले गए और फूफी को छोड़ गए हमारे लिए। फिर जब मैं और अब्दुल यहाँ आए ना तो सब लोग उनको फूफी फूफी कहते थे, तो हमने भी कहना शुरू कर दिया, लेकिन फूफी से ना कोई खुश ना रहा। जुबैर साहब भी नहीं? जुबैर साहब तो उनसे सीधे मुंह